नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे नए व्लॉग में। तो आज अभी सुबह के 6 बज रहा है, मैं 5:30 बजे उठ गया था। आधा घंटा रे मतलब आधा घंटा उठ के बैठा रहा मैं, मैंने कुछ करा नहीं। अभी मैं आज ना वॉक के लिए जा रहा ना साइकिलिंग के लिए जा रहा, क्योंकि कल साइकिलिंग में इतना थक गया, इतना पैर में दर्द हो गया। आज फ्रेंड ने मना कर दिया और मैंने भी कहा भाई आज नहीं आ रहा, आज कंप्लीट रेस्ट करेंगे। तो अभी तो 6 बजे उठ गए रोज़ की तरह। देखते हैं बाकी क्या करते हैं। मैं तो सोच रहा हूँ दोबारा से सो जाऊँ, गुड आइडिया, सो ही जाता हूँ। तो सोने ही वाला था भैया लेट के, फिर अचानक से ख्याल आया कि क्या करना, सो के 2-4 राउंड लगाए आओ, आधा घंटा टहलाओ। तो ठीक है, मैं आधा घंटा टहलने जा रहा हूँ। बाय द वे हवा बहुत ठंडी ठंडी चल रही है, तो चलो मिलता हूँ रनिंग के बाद। मैं रनिंग करके तो आ चुका हूँ, लेकिन रनिंग करने से पहले एक दिक्कत हो गई थी। जैसे ही मैं पार्क में पहुंचा, 15-20 मिनट पार्क में टहला, पुष्कर का कॉल आ गया, कह रहा मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ। मैंने कहा अबे बड़ा पागल है। उसने सबसे पहले मना करा, फिर मैंने मना करा, फिर मैं चला गया, फिर वो भी चला गया। तो अभी पुष्कर आया था, हम लोगों ने थोड़ी सी साइकिलिंग भी कर ली। चलो हम मैं आप सबसे मिलता हूँ घर पर। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10:15 और हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है। ब्रेकफास्ट में चाय ले ली थी और रस खा लिए थे। तो अभी आज थर्सडे है, तो मम्मी पापा ने पूजा भी कर ली और अभी देखते हैं मम्मी खाने में क्या देती हैं, क्या बनता है खाने में। और मैं अपनी क्लासेस कर रहा हूँ अभी 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 बायो की क्लास ख़त्म हुई है, 11 बजे फाइन आर्ट्स की क्लास है। तो चलिए मिलता हूँ आपसे क्लासेस के बाद। अभी हमारा लंच हो चुका है। लंच में बना था आलू की सब्जी और रोटी। तो पीनू भी ट्यूशन से आ चुका है अभी। लेकिन सबसे मेन बात, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग सब्सक्राइब का बटन नहीं दबा रहे हैं और ना ही लाइक का बटन दबा रहे हैं। मुझे ऐसी मार करेगा ऐसे। देखो ऐसे, लेकिन ऐसा क्यों? आपको वीडियो पसंद नहीं आ रही, चलो पसंद नहीं आ रही वो आपके ऊपर है। अब प्लीज वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब इस छोटे से बच्चे के लिए, इस बच्चे के लिए नहीं तो इस बच्चे के लिए। मासूम ये छोटा सा लेंस में आके छोटा सा बोलते हो ये मासूम सा। देखो 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 हम दोनों कितने मासूम हैं। हम दोनों के लिए एक सब्सक्राइब का बटन दबा दो यार, प्लीज प्लीज एक सब्सक्राइब का बटन दबा दो। तो अभी बज रहे हैं 5:00। मैं अभी भी सो के उठाऊँ और अभी मन करा कि सनसनी को मिल के आए, बहुत टाइम हो गया उससे मिले हुए। हाँ तो चलो उसके पास चलते हैं। हमारी मम्मी अमरूद ले रहे हैं, नहीं अमरूद बहुत छोटे छोटे हैं मम्मी, क्यूट क्यूट से। वो आंटी कह रही है इसमें कीड़े नहीं निकलेंगे। हाँ आंटी जी के, आंटी जी बता रही हैं। अरे बब्बू गोसा है, ये भी लूँगा मैं, आधी आधी 1 किलो तो ये भी लूँगा, मेरे फेवरेट हैं। बहुत ज़्यादा भावताल करने के बाद हम लोगों ने 1 किलो अमरूद छोटे छोटे से और 1 किलो बब्बू गोसा ले लिए। घर में फ्रूट्स होना भी ज़रूरी रहता है यार। तो चलो पैसे देकर आते हैं। भावताल तो मम्मी लोग ही कर सकते हैं यार, ये काम मम्मी होगा है। बहुत बढ़िया है मीठा बब्बू गोसा, ऑलवेज बेस्ट, अनाशपाती से भी बेस्ट है, सॉफ्ट भी होता है। ये वाले हार्ड है, लेकिन आप भी खाने जरूर ट्राई करना। और अगर कहीं के बेस्ट चाहिए तो गाजीपुर मार्केट से लाना, वहाँ पे बहुत बढ़िया मिलते हैं। मैं तो जा नहीं पाया पापा के साथ, इसलिए यहाँ से ले लिए, वरना गाजीपुर मंडी में बहुत बढ़िया मिलते हैं ये। तो मैं छत से एनी को खिला के भी आ चुका हूँ और आज एनी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं ज़्यादा देर ऊपर नहीं रहा। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से ऋषि के घर पतंग उड़ाने। हाँ मालूम है, मैं रोज़ रोज़ ऋषि के घर जाता हूँ। मेरी मम्मी भी मेरे को इसी को लेकर डांटती रहती है कि तो रोज़ रोज़ ऋषि के घर क्यों जाता है। मैं इसलिए जाता हूँ क्योंकि वही एक फ्रेंड है जो इस समय मतलब खेलते हैं हम लोग साथ में भले ही, लेकिन लॉकडाउन में कौन आता है। तो मैं अभिनव भैया ऋषि, हम 3 छत पर पतंग उड़ाते हैं, फिर जब रात हो जाती है तो थोड़ा सा टाइम पास करते हैं, उसके बाद घर अपने अपने। तो चलो मिलता हूँ आप सबसे ऋषि के घर। पतंग ले ली है, अब जाएंगे ऋषि के घर पे पतंग उड़ाने। थोड़ा सा लेट तो हो ही गए हैं, 7 तो मेरे को लग रहा है यहीं बच जाएगा, 7:45 तक घर जाना। तो चलो मिलते हैं फिर। बहुत मज़ा आ रहा है ऋषि की छत पे फुटबॉल। ऋषि का भाई भी है, कैमरा मैन अभिनव भैया को बना दिया कुछ देर के लिए। तो चलो उसका चार्ज नहीं देंगे भैया को, छुपा पड़ा। अरे वाह, स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ओके।
रिजुल ने स्टार्ट का साइन दे दिया है। ये हैंड नहीं, फिलहाल स्टमक हो गया है। नहीं यहाँ लगा भाई, भाई आएगा यहाँ, कौन सा स्टमक होता है। चलो पीछे आओ, तो अंदर आओ। शाम को मौसम भी बहुत बढ़िया हो रहा है, तो आज इसलिए शेव नहीं कर रहा क्योंकि आई एम अ ब्लॉगर, मुझे अपना चेहरा बचाना है फ्यूचर के लिए। ऋषि के घर से निकलने के बाद मैंने दूध ले लिया है फुल क्रीम, तो चलो अब चलते हैं घर पे। और फुटबॉल खेलने में तो आज काफ़ी थक गया, मैं जीत गया लेकिन। तो अभी बज रहे हैं रात के 9:15 और मेरे को लग रही बहुत जोर की भूख। तो मम्मी जी खाने में क्या है? आपकी फेवरेट भिंडी। आए हाय मूड खराब कर दिया। वैसे खाने का मन तो नहीं कर रहा भिंडी, लेकिन अब भूख लगी, कुछ तो खाना ही पड़ेगा। अच्छा भिंडी के साथ क्या क्या है? और भिंडी के साथ पराठा। वाह, रूखी भिंडी तो खाऊंगा नहीं मैं। और सब्जी है कुछ साइड में? हाँ हाँ, क्या तीन है, आलू है। ठीक है दे दो भैया। चलो आलू की सब्जी है। भिंडी खाते हैं, भिंडी पसंद नहीं है मेरे को, प्याज वाली होती तो खा लेता, लेकिन आज थर्सडे तो मम्मी ने प्याज वाली बनाई नहीं है। तो चलो मिलता हूँ आप सबसे खाने के बाद। तो मैंने डिनर कर लिया, आज की भिंडी अच्छी बनी थी। वैसे मेरे को भिंडी पसंद नहीं है, लेकिन आज की थोड़ी सी चटपटी सी बनी थी तो बढ़िया बनी थी, मैंने खा ली। अब मैं स्कूल का थोड़ा सा काम करूँगा, इंग्लिश और बायोलॉजी का काम है तो वो करना है। तो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं करता हूँ एंड। ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये वीडियो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और हाँ, उस बेल आइकन को भी दबा देना प्लीज़ प्लीज़, सब्सक्राइब कर दो छोटे से बच्चे के लिए, एक लाइक एक सब्सक्राइब। तो चलो आज के लिए हो गया, मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय बाय।